बोला मटन चॉप्स आ जाएगा, बड़ा पीस आ जाएगा। ये मटन चॉप्स हो गया। अच्छा ये क्या रिफिल हो रहा है? ये मटन फ्राई है, डालो मटन फ्राई। अच्छा ये देखिए, ये बंद कराता है, इस तरह से यहाँ रखा रहता है, जहाँ भी आपका नजर जाएगा बस आपको लोग लोग और लोग दिखेंगे। ये देखिए सब लोग अपना कूपन लेके यहाँ खड़े हैं कि कब उनको खाना मिले। ये देखिए कूपन लेके लोग खड़े हैं इंतजार में, और यहाँ जो है खाना खत्म होने के कगार पर है। ये वाला मटन बिरयानी बहुत अच्छा लग रहे हैं। कितने का होता है ये? देखो रेड मीट बहुत अच्छा है। एक स्पेशल मेरा एक बोटी फ्राई बहुत अच्छा लग रहे हैं। राउंड देख के लग रहा है कि आधा घंटा तो लग जाएगा नंबर आते हुए आने में, जबकि सब कुछ प्रिपेयर्ड है, कुछ बनाना नहीं, ऑलरेडी सब कुछ तैयार है, फिर भी जिस तरीके का क्राउड है, जितना ज़्यादा भीड़ है, आधा घंटा भी लगने वाला है तब हमारा प्लेट जो है वो मिल पाएगा। जहाँ तक आपका नज़र जाएगा, जिसे भी आप देखिएगा, सब कोई बड़ा मन से एकदम इन्जॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं। चपाती, परोठा, मटन चॉप्स, मटन फ्राई, मटन कुरमा, तले मांसा, बोटी, कईमा, चिकन फ्राई, चिकन सुखा, चिकन टिक्का, मिनोटा। हम लोग बैंगलोर में, बैंगलोर का अलग अलग जो जायका है वो आप तक पहुँचा रहे हैं, उसे ढूंढ रहे हैं, उसे खा रहे हैं, और उसी क्रम में आज पहुँचे हैं एकदम ऑथेंटिक साउथ इंडियन नॉनवेज फूड खाने। और कोई एक दो तीन चार आइटम नहीं, पूरा का पूरा जो स्प्रेड है वो लगा हुआ है, नॉनवेज का जो मेला कहते हैं हम लोग वो यहाँ लगा हुआ है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में, और आज बैंगलोर का एक बहुत ही बेहतरीन सा नॉनवेज फूड का स्प्रेड जो है वो आपको दिखाने वाले हैं। सब कुछ यहाँ सजा के रखा हुआ है, हर कुछ दिखाएंगे कि क्या कुछ मिलता है। और यहाँ जो है ओनर बैठे रहते हैं, टोकन वोकन काटते हैं, जो खाना है वो आइए बताइए, टोकन काट के देंगे और वहाँ से जो भैया है वो निकाल के आपको प्लेट में सर्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, सारा कॉन्सेप्ट जो है वो बताते हैं। लोकेशन जो है वो इन्हीं से पूछना पड़ेगा कि कहाँ पर हम लोग फ़िलहाल हैं। वैसे इनका एक वीडियो हम लोग और डाल रखे हैं, वो था फ़िश का, जो पूरा शाम में महफिल जमा था मछली का, लकड़ी के आस पर पूरा फ़िश फ्राई जो है वो खिलाते थे, और दिन के वक्त ये पूरा नॉनवेज चिकन मटन ये सब का महफिल जो है वो सजता है। भैया क्या एड्रेस बताते हैं यहाँ का? भैया यहाँ से एड्रेस दीपांजन मेट्रो स्टेशन आ जाना, वो मैसूर रोड दीपांजन मेट्रो स्टेशन आ जाएगा, थोड़ा आके हो तो 374 पिलर नंबर आ जाएगा, विजयनगर जाने के टाइम में लेफ्ट साइड में आ जाएगा। मेरे पास आज बाजू बस स्टैंड है, PCC लेवल बस स्टैंड है, इधर वही मेन रोड पे कार्ड रोड है वो। में क्या खिलाते हैं? दिन में मटन चॉप्स, मटन फ्राई, मटन कुरमा, हेड मटन, बोटी, कईमा, चिकन फ्राई, चिकन सुखा, चिकन टिक्का, मटन लिवर, मटन काम्बो, चिकन काम्बो। इतना सारा आइटम है? इतना सांबर बहुत आइटम है, वो 14-15 आइटम्स आ जाएगा। 15 आइटम है नॉन वेज का? वेराइटीज है। मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, परोठा, चपाती, मुद्दा, नीर दोसा, सभी मिलेगा। सब कुछ अभी यहाँ पर है? हाँ यहाँ पे पूरा हटके से वो पूरा रखे, देखो पूरा। तो इसका टाइमिंग क्या होता है? यहाँ 12:30 to 4:30 खाना, 4 घंटे का दुकान है ये। 4 घंटे को बंद हो जाएगा। भैया एक एक करके ना सारा आइटम दिखाएगा, क्या देखा? एक एक वो बोला मटन चॉप्स आ जाएगा, बड़ा पीस आ जाएगा। ये मटन चॉप्स हो गया। अच्छा ये क्या रिफिल हो रहा है? ये मटन फ्राई है, डालो मटन फ्राई। अच्छा ये देखिए, ये बंद कराता है, इस तरह से यहाँ रखा रहता है, गरम गरम सर्व होता है, होटल राजा वाली स्टाइल है वो। अच्छा ये वाला क्या हो गया? ये वाला चिकन सुखा बोलेगा मैंने, चिकन सुखा बहुत अच्छा है, टेस्ट चपाती के लिए, नीर डोसे के लिए बहुत अच्छा है। इसका रेट क्या होता है भैया? रेट 120 है, 120 पर प्लेट। पर प्लेट ये हो गया। ये वाला मटन फ्राई ये कितने का होता है? देखो ये वाला मटन फ्राई नली मुला सब आ जाएगा ऐसे। अच्छा। बहुत अच्छा है ये, 200 रुपए प्लेट। ठीक है। ये वाला चिकन फ्राई सेमी ग्रेवी आ जाएगा थोड़ा। अच्छा अच्छा वो भी चपाती के लिए, परोठा के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। ये वाला एग हेड मटन, क्या बता कौन सा मटन? हेड मटन फ्राई। ये होता क्या भैया? बहुत अच्छा है, खाने खाने के लिए बहुत, मुद्दे के लिए बहुत अच्छा है, खाते हैं लोग मुद्दे के साथ, मुद्दे के साथ खाने के लिए बहुत अच्छा है वो भी आपको। ये वाला एक बोटी फ्राई स्पेशल मेरा, एक बोटी फ्राई बहुत अच्छा लग रहे हैं। देखो इसमें क्या है, मतलब एग है और मटन है, एग भी है और मटन बोटी भी है, मिक्स है, मिक्सिंग करके फ्राई करके दे देगा। अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है, वो चपाती के लिए बहुत अच्छा है। बोटी होता है इंटेस्टाइन वाला पार्ट, वो है चिकन टिक्का, चिकन टिक्का पेपर में करेगा ग्रेवी में, चिकन टिक्का, चिकन टिक्का है ग्रेवी में, ये मेरा स्टाइल है। देखो अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है वो, ये आपका अपना यूनिक स्टाइल है। हाँ मेरा स्टाइल है पूरा। ये वाला क्या हो गया? ये वाला मटन कईमा है। ये क्या होता है? इसको 4 पीस आ जाएगा। ये कितने का? ये मटन 200 रुपया, 180 एक प्लेट, 4 प्लेट, 4 है। कीमा का बॉल, कईमा बॉल। अच्छा ये वाला मटन कुरमा, मटन कुरमा, कुरमा बोलेगा मैंने, कुरमा। हाँ सर बटे मटन कुरमा कुछ बता रहे भैया, ये भी कुछ सिंपल सा सूपी टाइप का मटन का डिश बहुत अच्छा था मटन। ये कितने का आता है? देखो
क्या बात है, 200 रुपया फ्लैट। ओके, वो मामूली ग्रेवी, मटन ग्रेवी, ये वाला रसम। अच्छा, ये रसम हो गया, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री है। मटन ग्रेवी परोठा मेरा होम परोठा है, होम स्टाइल परोठा, रेडीमेड नहीं है। अच्छा, इधर ही बनाता, ठीक है। होम मेड चपाती, नीर डोसा, नीर डोसा मिलेगा, बहुत अच्छा है। खत्म हो गया ये, खत्म हो जाएगा। व्हाइट राइस भी है, ऐसे व्हाइट राइस पे आ जाएगा, व्हाइट राइस, ठीक है। इस तरफ आ जाए चिकन बिरयानी। अच्छा, ये कितने का भैया? चिकन बिरयानी 120 प्लेट, 120 प्लेट, प्लेट, ठीक, बहुत अच्छा है मेरा स्टाइल। कितना पीस रहता है चिकन बिरयानी? चला दो फोन। हाँ, काफी ज्यादा है, हम लोग कैसे करते हैं बिरयानी। फोन है नहीं तो इधर साइड में भेजा दिया। ये भैया मटन बिरयानी, ये वाला मटन बिरयानी है। ये कितने का होता है? ये वाला मटन बिरयानी बहुत अच्छा लग रहा है। कितने का होता है ये? देखो रेड मीट बहुत अच्छा है, 120। कितना पीस जाता है? 3 पीस 4 पीस आ जाएगा, 3-4 पीस चला जाता है इसमें, 3 पीस 4 पीस आ जाएगा, बहुत अच्छा है। थोड़ी देर के हम लोग साइड की और इधर का भीड़ देखिए, इतने सारे लोग लाइन में लग गए। फिश तो फिश भी होता है यहाँ? हाँ, फिश सूटा, फिश मिल्स, फिश करी। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? ये मुद्दे बॉल ना? मुद्दे, फिश करी, व्हाइट राइस। मुद्दे, फिश करी और व्हाइट राइस, फिश करी भी अवेलेबल है यहाँ पर। अब ये डिमांड देख सकते हैं, मतलब ऐसे लाइन लगाए हुए हैं लोग कि कूपन कटवाने के लिए। देखिए लाइन लगा हुआ है यहाँ कि कब नंबर आया और फिर जाके कूपन जो है वो कटवाएंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर भैया ये सारा जो अपना नॉनवेज वाला चीज़ है वो देंगे। और कोई अलग अलग चीज़ ले रहे हैं, कोई कुछ मटन बोटी ले रहे हैं, कुछ बिरयानी ले रहे हैं, कुछ चिकन का पूरा वो जो बड़ा वाला थाली था वो ले रहे हैं। तो कुछ हम लोग भी इसमें से लगवाते हैं और खा के टेस्ट वेस्ट जरा जो है वो देखते हैं। ये भीड़ देखिए, भीड़, ये पीछे वाला जो एरिया आप देख रहे हैं वहाँ पर लोग बैठकर खा रहे हैं और यहाँ जो है लेने वाला काम जो है वो हो रहा है। तो बस चलते हैं, कुछ अब निकलवाते हैं और देखा जाएगी कैसा टेस्ट है। फिश तो इनका बहुत बढ़िया था, होपफुली जो चिकन है और मटन है ये भी वैसा ही हो। ये देखिए, ये चिकन थाली रेडी हो रहा है। जहाँ भी आपका नज़र जाएगा बस आपको लोग लोग और लोग दिखेंगे। ये देखिए सब लोग अपना कूपन लेके यहाँ खड़े हैं कि कब उनको खाना मिले। ये देखिए कूपन लेके लोग खड़े हैं इंतज़ार में और यहाँ जो है खाना ख़त्म होने के कगार पर है। हर प्लेट को अच्छे से पहले पानी से धोया जा रहा है और उसके बाद ही खाना दिया जा रहा है। ये भैया कौन सा आइटम है? पिशो। तो फिश भी होता है यहाँ? हाँ, फिश सूटा, फिश मिल्स, फिश करी। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? ये मुद्दे बॉल ना? मुद्दे, फिश करी, व्हाइट राइस। मुद्दे, फिश करी और व्हाइट राइस, फिश करी भी अवेलेबल है यहाँ पर। मटन फ्राई, चिकन फ्राई है, चिकन सुखा है, कईमा है, चिकन कॉम्बो है। ये चिकन कॉम्बो है, ऐसे ही मटन कॉम्बो भी आता है? है। अच्छा, तो हम लोग कूपन वूपन जो है वो कटवा के अपना दे चुके हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारा नंबर आए। ये क्राउड देख के लग रहा है कि आधा घंटा तो लग जाएगा नंबर आते हुए आने में, जबकि सब कुछ प्रिपेयर्ड है, कुछ बनाना नहीं, ऑलरेडी सब कुछ तैयार है। फिर भी जिस तरीके का क्राउड है, जितना ज़्यादा भीड़ है, आधा घंटा भी लगने वाला है तब हमारा प्लेट जो है वो मिल पाएगा। जहाँ तक आपका नज़र जाएगा, जिसे भी आप देखिएगा, सबको बड़ा मन से एकदम इन्जॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं और हर तरीके के लोग खा रहे हैं। कार से भी लोग आ रहे हैं, ऑटो ड्राइवर भी आ रहे हैं, हर तबके के लोग आके खा रहे हैं। हमारा प्लेट लगना स्टार्ट हो गया, इतने भीड़ में कैसे कैसे जगह बनवा के सेटिंग वेटिंग लगवा के निकलवा रहे हैं। चिकन बिरयानी आ चुका है प्लेट में, अब ये डाले भैया थोड़ा सा मटन बिरयानी, थोड़ा थोड़ा ट्राई करेंगे हर चीज़, थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं, ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। और भैया मटन फ्राई डाल दीजिएगा, मटन फ्राई, रोटी नहीं, मुद्दे बॉल, वो मुद्दे बॉल, मुद्दे बॉल। मटन फ्राई, और कुछ डालिए चिकन का, ये कौन सा चिकन का डाल दीजिए? चिकन टिक्का, चिकन टिक्का थोड़ा, बस 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 डाल दिए, एक एक कीमा बॉल, ठीक है भैया, थैंक यू। तो आप लोग यहाँ रेगुलरली खाते हैं? नहीं, हम लोग भी ऐसे YouTube देख के आया था। अच्छा, सो मेरा फ्रेंड ने बोला था कि इधर अच्छा मिलता है। एक्चुअली हम लोग खाया था तवा फिश खाने के लिए आया था, वो तो इवनिंग के टाइम पे होता है, तवा फिश इवनिंग का टाइम पे, लेकिन इसके लिए हम लोग मटन ले आया था। अच्छा है, अच्छा लगा, मतलब जो सोच के आए थे जैसा YouTube में दिखाया गया था वैसा लगा? हाँ, अच्छा ही है, ऐसे ही है। आपको कैसा लगा? मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, बहुत से वीडियोज़ देखा है इनका, तो वो देख के इधर फॉलो करके आके टेस्ट किया था, अच्छा लगा। कौन सा आइटम खाया? मैंने फिश मील खाया था, अच्छा था। थैंक यू सो मच। इधर हमारा जो ये पूरा लंच है ये आ चुका है और थोड़ा कस्टमाइज काइंड ऑफ हम लोग लिए हैं, बहुत कुछ है। और ये बड़ा अच्छा सा थाली है, 6 बॉक्स इसमें बना हुआ है, 6 कंपार्टमेंट बना हुआ है और 6 डिफरेंट चीज़ को हम लोग लिए हैं। एक ये था चिकन टिक्का,
काफ़ी अलग तरीके का चिकन टिक्का। ये मटन जो ड्राई है ये बहुत टेम्पटिंग, ड्राई बोल रहे हैं बट ड्राई लग नहीं रहा, ये तो सेमी ग्रेवी काइंड ऑफ है, ये बहुत टेम्पटिंग लग रहा था तो ये लिए हैं। ये नेक्स्ट लिए हैं एक मटन कीमा, मटन कीमा का ग्रेवी वाला डिश है। एक लिए हैं ये मटन बिरयानी, थोड़ा सा मटन बिरयानी, थोड़ा सा चिकन बिरयानी, एक सिंपल रोटी हम बाद में डलवा ली, सोचे कि रोटी भी ले ही लेते हैं, ये अच्छा नहीं लगेगा तो रोटी के साथ खाएंगे। और ये एक ये है मुद्दे, ओहो हो, ये पहली बार हम इस मुद्दे को छू रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट सा लग रहा है। और हम लोग अफ्रीका का फूड वीडियोस देखते थे, उसमें भी ये ऐसा कुछ दिखता था, आज आए यहाँ कर्नाटका तो यहाँ भी इसे खाने वाले हैं। का कॉन्सेप्ट उनको पता नहीं, हम देखे नहीं है मेकिंग, कभी वीडियोस में थोड़ा देखे हैं कैसे होता है बट कभी लाइव नहीं देखे हैं। कोशिश करेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो कहीं हम लोग कवर करेंगे इसका रेसिपी भी कि ये बनता कैसे है। और बस अब करते हैं ट्राई। अच्छा एक चीज़ हम बोलना चाहेंगे कि यहाँ मतलब हर चीज़ आपको गरम गरम टाइप का नहीं मिलेगा, ये मतलब नॉर्मल सा है, बहुत गरम गरम तो नहीं ही है, नॉर्मल सा है, तो ये चीज़ हमको एक मतलब स्टार्टिंग में डिमेरिट लगा। अब करते हैं ट्राई, ये इसको ऐसे तोड़ते हैं, देखिए कि लोग ऐसे ही खा रहे हैं। ये बड़ा स्टिकी सा है, एकदम स्टिकी सा है, ये देखिए एकदम चिपक जाएगा हाथ में ऐसा है। इसको लोग तोड़ के इसमें ग्रेवी मिक्स करके खा रहे हैं, हम थोड़ा ऐसे डायरेक्ट ग्रेवी रोटी की तरह खाते हैं, ऐसे इसमें ग्रेवी लगा के। यार मटन का ग्रेवी खाया तो ये पूरा मटन के ऊपर हावी हो गया, मटन का टेस्ट हमको आया नहीं, मसी का टेस्ट आया, इसलिए हम बैकअप के लिए रोटी लिए थे। ये मटन को खाते हैं रोटी के साथ, ये छोटा बड़ा पीस है, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा पीस नहीं, छोटा बड़ा पीस है ग्रेवी लटपट। मटन बिल्कुल सॉफ्ट, ये देखिए मटन बिल्कुल सॉफ्ट, एकदम ईजिली टूटता हुआ मटन, ऐसे ऐसे ये अलग हो जाएगा बोन से, इतना सॉफ्ट सा मटन और बढ़िया लगा, मतलब हम लोग के पैलेट के अनुसार बनाया गया। कड़ी पत्ता तो रहेगा ऑब्वियसली, साउथ इंडियन नॉनवेज है तो कड़ी पत्ता का फ्लेवर आएगा, बट ग्रेवी जो है इसमें पेपर का बहुत अच्छा, मतलब काली मिर्च का बहुत अच्छा इस्तेमाल, तो उस वजह से आपको तीखापन जो है वो गले पर लगने वाला है। और ये देखिए ये कड़ी पत्ता, ये तो रहने वाला है, साउथ इंडिया में आप नॉनवेज खाइएगा तो या कुछ भी खाइएगा तो, बट कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है, कड़ी पत्ता से ठीक हमको पसंद आता है इसका टेस्ट। और काला काला छोटा छोटा हमको दरदरा सा ब्लैक पेपर दिख रहा है, उसका तीखापन है, लटपट सा ग्रेवी है और मटन का टेस्ट भी अच्छा आ रहा है। जहाँ तक हम जानते हैं, जहाँ तक सुने हैं कि वो एक खसी वाला चीज़ यहाँ मिलता नहीं है, अधिकतर जगह शिप का जो मीट है वही यूज़ होता है, बट शिप बहुत बड़े साइज़ का नहीं, 10 किलो के साइज़ का होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली मिलता जुलता टेस्ट आ जाता है। ये मटन का क्वालिटी अच्छा लगा, ऐसा हम पहले से ज्यूम करके आए थे उससे बेटर हमको टेस्ट लग रहा है यहाँ नॉनवेज का। अब ट्राई करते हैं ये चिकन टिक्का, अलग तरह का यूनिक तरीके का चिकन टिक्का, चिकन का पीस रोस्टेड नहीं है, ये पहला ऐसा चिकन टिक्का है जिसमें आपको ये चिकन का पीस रोस्टेड नहीं मिलेगा। ये लगाते हैं ग्रेवी में, करते हैं ट्राई। चिकन टिक्का नाम क्यों पड़ा ये पता नहीं, शायद बोनलेस चिकन है इस वजह से नाम पड़ा हो, समझिए कि बोनलेस का चिकन का लटपट वाला ग्रेवी टाइप का कुछ बनाया गया। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, बहुत पतला ग्रेवी नहीं हो, मिलता जुलता स्वाद दोनों का, मसालेदार प्याज का ग्रेवी है, प्याज का डोमिनेंस है, बढ़िया लग रहा है, दोनों चीज़ ही अच्छा लगा। अब ये ट्राई करते हैं, ये थोड़ा पतला है मटन कीमा। अच्छा एक चीज़, चिकन जो है हमको ज़्यादा हार्ड लगा मटन से, और ये देखिए कीमा, ये मीट का गोली हम लोग खाते हैं उसी को ग्रेवी में डाल के दिया गया है, और कीमा अच्छे क्वांटिटी में दिख रहा है, मतलब चना दाल नहीं है, कीमा प्रॉपर दिख रहा है। अपने कैटेगरी के अनुसार अच्छा है, बट इससे फार बेटर हमको मटन का ये लगा, ये मटन का कोफ्ता टाइप का है, कुछ सिंपल सा लाइट सा, ये तीखा नहीं मिलेगा, थोड़ा पतला ग्रेवी है और बेसिक सा ग्रेवी बनाया गया है, बट ये जो सिर्फ कोफ्ता आप खाइएगा इसमें प्रॉपर मटन का फील आएगा, प्याज धनिया पत्ता हर चीज़ को मिक्स करके बनाया गया, बढ़िया लग रहा, अदरक लहसुन का भी प्रॉपर इस्तेमाल। अब लास्ट में एक बाइट
मटन बिरयानी, फिर क्या, अच्छा ये हम छुए और हमको फील हो गया, ये देखिए ये प्रेस भी नहीं किया तो छुए और हमको फील हो गया, ये मुद्दे जो है इससे ज़्यादा सॉफ्ट है, ये मटन बिरयानी है, ये पूरा लग रहा है कि कमल के फूल की तरह सारा है, इसका कली जो है वो खिल उठा छूते साथ, अलग अलग देखिए ये सारा रेसा रेसा जो है ये अलग हो रहा है, एकदम सॉफ्ट, ऐसा सॉफ्ट मटन, क्या बात है। ये तोड़ते हैं, थोड़ा ग्रेवी ये चावल में मिक्स करते हैं और खाते हैं। यहाँ शूट करने से पहले हम लोग दो तीन जगह और बिरयानी खा चुके हैं। हर जगह होता क्या बिरयानी के साथ, आप जिस रीजन में जाइए, जिस स्टेट में जाइए, जिस जगह जाइए, वहाँ एक अपना बिरयानी का फ्लेवर आता है। हम लोग पटना में खाते हैं मैक्सिमम जगह कोलकाता बिरयानी, तो ऑलमोस्ट हर जगह सिमिलर टेस्ट आता है, थोड़ा एसेंस रहेगा, थोड़ा उसका स्वाद रहेगा। यहाँ हम जहाँ भी बिरयानी खाएँ हर जगह ऑलमोस्ट सेम टेस्ट आया। ये अलग तरीके का बिरयानी है, इसमें आपको फ्रेश मिंट लीव्स जो है, पुदीना पत्ता, उसका एक बहुत अच्छा सा अरोमा आएगा, बहुत अच्छा सा फ्रेश सा एकदम टेस्ट जो है वो आएगा, और बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता है, मीडियम होता है बट फ्लेवरफुल भी होता है। साथ ही साथ राइस इस बिरयानी का लॉन्ग ग्रेन नहीं होता है, कहीं भी खाएं छोटा छोटा दाना मिला, और बहुत हैवी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मतलब आपको खा के हैवी वाला फील जो है वो नहीं आएगा, लाइट सा बिरयानी होता है। बढ़िया लगा, ओवरऑल बहुत अच्छा लगा और टेस्ट अच्छा है, तभी ये क्राउड है, तभी ये क्रेज़ है, तभी ये दीवानगी है, इन्जॉय करते हैं, मज़ा आ गया। मतलब साउथ इंडिया का जो नॉनवेज है, ये लोग सुनते थे तो ऐसा होगा वैसा होगा ना जाने कैसा कैसा होगा, बट जब आए, जब फेमस फेमस जगह पर जाके खा रहे, तब आ रहा है समझ कि क्यों इतना अच्छा। और हम लोग भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, अधिकतर हम नॉर्थ इंडिया में अभी तक शूट किए, पहली बार साउथ इंडिया में शूट कर रहे हैं, तो हर जगह ऑलमोस्ट सेम, जयपुर गए थोड़ा वही बिहार से मिलता जुलता स्वाद, या उड़ीसा गए वहाँ भी मिलता जुलता स्वाद, यहाँ आए तो एक अलग टेस्ट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, थोड़ा अलग रेसिपी, थोड़ा अलग स्पाइसेस, तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी चेंज फील हो रहा है, कॉन्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। काफ़ी भाषण हो गया, खत्म करते हैं वीडियो, एंजॉय करते हैं फूड को, कमेंट कीजिए बताइए वीडियो कैसा लगा, थैंक यू सो मच।